हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 10, एंशियंट इंडिया कल्चरल। इस लेसन का सेकंड पार्ट, लेसन का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपको लेसन स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। लाइफ ऑफ द पीपल। द लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया शेड्स लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द टाइम। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने लिटरेचर फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट में देखा, जो लैंग्वेज लिटरेचर था या फिर जो बाकी के लिटरेचर थे, तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम के जो कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ के बारे में हमें सारी जानकारी मिलती है। दोज वेयर प्रॉस्पेरियस टाइम्स ड्यू टू दी फ्लरिशिंग इंटरनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। तो देखिए उस टाइम क्या हो रहा था कि हमारे देश में भी और जो फॉरेन ट्रेड था, जो व्यापार था, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कास्ट। तो उस टाइम जो कास्ट डिपेंडेंट सोसाइटी थी वो बन चुकी थी, लोगों के कास्ट बनने लगे थे। देयर वेर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एज वेल एज आर्टिसंस। तो देखिए वहाँ पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी, ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे या फिर जो आर्टिसंस अलग अलग तरीके के आर्ट जो बनाते थे उनके ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे। दीज ऑर्गेनाइजेशन वेर कॉल्ड श्रेणीज, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया था श्रेणीज। ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाई सी एज वेल एज लैंड रूट्स। तो जो व्यापार होता था ये सी से, मतलब समुद्री रास्ते से तो होता ही था, लेकिन लैंड रूट से, ज़मीन के रास्ते से भी होने लगा था। इंडियन गुड्स लाइक अ फाइन टेक्सटाइल्स, इवोरी, प्रीसियस स्टोन्स, स्पाइसेस, ब्यूटिफुली मेड अर्थन पॉटरी वेर इन अ ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो देखिए जो व्यापार होता था उसमें कई सारे जो इंडियन गुड्स थे, मतलब इंडियन जो चीज़ें थी, जैसे कि फाइन टेक्सटाइल, प्रीसियस स्टोन, स्पाइसेस, अर्थन पॉटरी वगैरह, ये सारी चीज़ों की फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी अच्छी डिमांड थी। द मेन क्रॉप्स वेयर राइस, वीट, बार्ली एंड लेंटाइल, मतलब जो मसूर की दाल होती है, ये सारी चीज़ें उस टाइम के मतलब मेन क्रॉप्स थे। तो लोग इनको क्या करते थे, अपने खाने में यूज़ करते थे। द डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस बिसाइड्स मीट, फिश, मिल्क, घी एंड फ्रूट्स। तो देखिए उस टाइम के लोग अपने डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करने लगे थे। द पीपल मोस्टली वोर कॉटन गारमेंट्स, दो सिल्क एंड उलन गारमेंट्स वेयर ऑल्सो वॉर्न। तो देखिए उस टाइम के लोगों के कपड़े जो थे वो कौन से थे, कॉटन के कपड़े पहनने लगे थे, सिल्क से बने हुए हैं, जैसे कि उलन के गारमेंट्स होते हैं उनको भी पहनने लगे थे। देयर क्लोथ रिजेंबल टूडेज धोती, उपरने, मुंडा से, साड़ी एक्सेट्रा। द कंसेप्ट ऑफ स्टिचिंग क्लोथ वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो देखिए कपड़े सिला के उसके बाद पहनना, ये जो चीज़ थी ये कुशाना पीरियड के टाइम से ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, उसके बाद लोग उसे इस्तेमाल करने लगे थे। देन यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट साइंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमें दिया है मेडिसिन। इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज आयुर्वेदा। तो देखिए अगर इंडियन मेडिकल साइंस के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो आयुर्वेदा है जिसमें हमें मेडिकल साइंस जो होता है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इट हैज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए कोई भी अगर इलनेस, कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उसके बाद उसे डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं और ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती है। ऑल्सो मच थॉट हैज़ बीन गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। जीविका वॉज अ वेल नोन वैद्य एट द कोर्ट ऑफ किंग बिंबिसरा। तो देखिए जो वैद्य, मतलब जिसे हम आज डॉक्टर कहते हैं, तो ऐसे जो जीविका जो वैद्य थे ये किन के कोर्ट में, किसके दरबार में थे, किंग बिंबिसरा के दरबार में। द चरक संहिता कंटेंस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी। तो देखिए जैसे कि आज जो कोर्सेस होते हैं डायग्नोसिस के बारे में, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है या फिर फार्मेसी होती है, वैसे ही जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस टाइम चरका करके जो थे उन्होंने अपना एक बुक या फिर टेक्स्ट कह सकते हैं, तो उनका चरका संहिता उन्होंने लिखा था जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सब चीज़ों के बारे में। इट वॉज रिटन बाय चरका। द फेमस सर्जन सुश्रुता हैज डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देयर रेमेडीज। तो ये दूसरे जो थे सर्जन सुश्रुता, जो फर्स्ट सर्जन माने जाते हैं या फिर फेमस सर्जन उन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने भी अपने जो डायग्नोसिस या फिर जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं या फिर रेमेडीज होती है किसी भी बीमारी के ऊपर, उसे लिखा है जिसे नाम दिया गया था सुश्रुता संहिता। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्स्ट इज दैट इज डिस्कस द डिफरेंट कॉजेस लीडिंग टू इंजुरीज,
फ्रैक्चर्स, देयर टाइप्स एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरीज रिक्वायर्ड फॉर देम। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या, इस टेक्स्ट में क्या डिस्कस किया था कि जो अलग अलग कॉजेस होते हैं इंजरी होने के, मतलब इंजरी जिस कारण होती है, फैक्टर्स होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, फिर उनके लिए सर्जरी के कौन से टाइप की सर्जरी करनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें थी उस टाइम उन्होंने लिखी थी। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम स्टडी करते हैं डॉक्टर मेडिकल फील्ड के बारे में, लेकिन उस टाइम भी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी हुई थी। द टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इन द अरेबिक लैंग्वेज एंड वॉज कॉल्ड किताबे सुसुद। तो देखिए सुश्रुता जो थे, समिता उनका था, उसे ही ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक लैंग्वेज में, जिसे नाम दिया गया था किताबे सुसुद। वर्कभट्ट ऑल्सो रोट मेनी बुक्स ऑन मेडिकल साइंस। तो देखिए जो वर्कभट्ट थे, ये जो पर्सन थे, उन्होंने भी कई सारे बुक्स लिखे थे मेडिकल साइंस के ऊपर। द अष्टंग संग्रह एंड अष्टंग हृदय समिथ आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम। तो उनके जो काफ़ी जाने माने या फिर फेमस बुक कह सकते हैं, उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। द बोध द भिक्कू सिद्ध नागार्जुन इन हिज बुक सरतन करा डिस्क्राइब्स वेरियस केमिकल्स एंड मेटल्स। तो देखिए स्टूडेंट, जो आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग केमिकल्स और मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्कू दिए थे, उन्होंने भी उनके बुक में ये केमिकल्स और मेटल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए जो आज हम लोग मेडिकल में जो पढ़ते हैं या फिर साइंस में जो चीज़ें केमिस्ट्री है, मेडिकल है, ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेंट किया था और उसके ऊपर बुक्स भी लिखे हुए थे। देन हम देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में। द एंशियंट इंडियंस हैड स्टडीड मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एट ग्रेट डेप्थ। तो उस टाइम के लोगों ने, मतलब एंशियंट इंडियंस जो थे हमारे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी काफ़ी अच्छा स्टडी किया है और गहरा स्टडी किया हुआ है। इंडियंस वेर द फर्स्ट टू यूज़ द नंबर न्यूमरल्स 1 to 9 and 0। तो देखिए इंडियंस ने पहले ये न्यूमरल्स जो हम लोग आज यूज़ करते हैं, 1 to 9 and 0, जिनको नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट सबसे पहले किसने किए थे, इंडियंस ने। दे इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल सिस्टम इन विद द वैल्यू ऑफ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस एकम दहम। जैसे कि हम लोग आज यूनिट टेस्ट जो सीखते हैं, नंबर सीखते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स का जो बेस है, जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, ये सबसे पहले हमारे इंडियंस लोगों ने ही फाइंड आउट किए और यूज़ किए थे। और जो आज हम लोग मैथ्स में देखते हैं, यूनिट टेस्ट नंबर देखते हैं या फिर डिजिट वैल्यू जो होती है, ये उस टाइम ही उन लोगों ने मतलब इन्वेंट की थी और उसको यूज़ भी किया था। द साइंटिस्ट आर्यभट्ट रोट द बुक आर्यभटिया विच इंक्लूडेड मेनी फॉर्मूले फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं, जो ऑपरेशंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम लोग फॉर्मूले यूज़ करते हैं, आपको पता है कि मैथ्स में कई सारे फॉर्मूले हम लोगों को यूज़ करने होते हैं, तो ये सब फॉर्मूले जो है, ये आर्यभट्ट ने लिख के रखे हुए हैं। आर्यभट्ट वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। तो ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही स्टेटेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो आज हम लोग पढ़ते हैं, तो ये किसने फाइंड आउट किया था, किसने सबसे पहले लिखा था, आर्यभट्ट ने, कि हमारी जो अर्थ है ये सन के अराउंड क्या होती है, रिवॉल्व होती है। वरम मिहिर रोट द फेमस टेक्स्ट पंच सिद्धांतिका इन द 6th century AD। दिस टेक्स्ट डिस्कसेस प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम द ग्रीक रोमन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो देखिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी उस टाइम टेक्स्ट लिखे गए थे। द टेक्स्ट ऑफ द मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त हु लिव इन द 7th century CE वेर ट्रांसलेटेड इन टू द अरेबिक लैंग्वेजेस। तो देखिए अगर एक किसी लैंग्वेजेस में ये सब नॉलेज अगर लिखा जाता है, तो बाकी के लोगों को भी ईजी हो जाए, इसके लिए ये ट्रांसलेट किया जाता था। तो यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्त थे, इन्होंने मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कनाद। कनाद रोट दी बुक कॉल्ड वैशेषिक दर्शन, इट मेनली डिस्कस अणु एंड परमाणु। तो देखिए अणु मतलब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग साइंस में पढ़ते हो, एटम मैटर्स वगैरह, तो ये सबसे पहले ये जो थेरी कंसेप्ट जो थी, ये कनाद जो थे उन्होंने लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू कनाद द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अणुज, देयर फॉर्म्स माइट चेंज बट द अणु रिमेन्स अनचेंज। तो अणु मतलब जो आइटम्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं, जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी मैटर से बना हुआ होता है, और मैटर का हर एक जो स्मॉलर पार्टिकल होता है उसे हम आइटम कहते हैं, तो यहाँ पे अणु कहा जाता है उसको। तो ये जो थेरी थी, जो कंसेप्ट थी, उसको किसने लिखा था, कनाद। तो उनका ये कहना था कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्म तो चेंज होता है, लेकिन जो अणु, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो एटम्स हम बोलते हैं, तो ये सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं।
सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो चीज़ें आज हम लोग सीख रहे हैं उसका ओरिजिन या फिर उसको कब डिस्कवर किया गया था, काफ़ी साल पुराने जो लोग थे उन्होंने ये सब फाइंड आउट करके रखा था और जो आज हम स्टडी करते हैं। सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, देयर वेर मेनी फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम देयर फॉर देयर स्टडीज। तो देखिए हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे फेमस सेंटर या फिर यूनिवर्सिटीज़ हुई थी कि जहाँ पे बाहर के देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी दी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑन द एंशिएंट इंडियन ट्रेड रूट। तो देखिए तक्षशिला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती थी एंशिएंट इंडिया में व्यापार के लिए। टुडे इट इज़ इन पाकिस्तान, लेकिन आज वो कहाँ पे आती है, पाकिस्तान में है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंड देयर सजेस्ट दैट द सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द 6th century BCE। जीविका अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड फेमस वैद्य हैड स्टडीड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ पे मिले उससे ये पता चलता है कि ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये कब इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, 6th century में। और यहाँ पे जो गौतम जीविका जो कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध है या फिर फेमस वैद्य है और तक्षशिला ये जो है ये कहाँ पे पढ़े हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। बाय द 4th century BCE द फेम ऑफ द यूनिवर्सिटी हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। तो बाद में ये यूनिवर्सिटी के बारे में ये काफ़ी फेमस हो चुकी थी और इसकी जो मतलब स्प्रेड हुआ था ये कहाँ तक कि बाकी के जो देश के लोग थे इनको भी इसके बारे में पता चला था कि ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज एजुकेटेड एट दिस यूनिवर्सिटी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में हमने पढ़ा तो ये इन्होंने भी अपना पूरा एजुकेशन कहाँ पे किया था, इसी यूनिवर्सिटी में। द ग्रामर एंड पाणिनी एंड द वैद्य चरका वेर अल्सो स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो ग्रामरियन हमने जिनके बारे में फर्स्ट पार्ट में लेसन के फर्स्ट पार्ट में देखा था तो ये पाणिनी या फिर जो वैद्य चरका उनके बारे में हमने स्टडी किया देखा तो ये भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। द ग्रीक हिस्टोरियंस हु एकम्पनीड अलेक्जेंडर हैव ऑल्सो गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। दे हैव स्टेट दैट सच अ यूनिवर्सिटी डिड नॉट एग्जिट एनी वेयर इन ग्रीस। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहाँ पे किया था, क्या बोला था कि इस तरीके की यूनिवर्सिटी पूरे ग्रीस में नहीं होगी। द फेमस चाइनीज बौद्ध भिक्खु फा हैन वॉज केम टू इंडिया अराउंड 400 CE ऑल्सो विजिटेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो जो बौद्ध भिक्खु थे चाइनीज फा हायन उनका नाम था तो इन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट सच एज अ वैदिक। तो देखिए इस यूनिवर्सिटी में कई सारे सब्जेक्ट लोग पढ़ते थे जैसे कि हमें दिया है यहाँ पे वैदिक लिटरेचर जो हमने देखा है लेसन में, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इकोनॉमिक्स लॉजिक एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो थे वहाँ पे पढ़े जाते थे। वाराणसी, द रिवर गंगा हैज़ टू ट्राइब्यूटरीज वारना एंड असी। तो इसका ही नाम जोड़ के फिर वाराणसी नाम बना। द सिटी लोकेटेड बिटवीन देम केम टू बी कॉल्ड वाराणसी। तो इस ट्राइब्यूटरीज के बीच में ये सिटी आती थी इसीलिए इसको नाम दिया गया है वाराणसी। सिंस एंशियंट टाइम्स इट हैज़ हैड सेंटर्स विच प्रोवाइड्स एजुकेशन इन द एरियाज ऑफ वैदिक एज वेल एज जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो देखिए काफ़ी एंशियंट टाइम्स से यहाँ पे ये एजुकेशन सेंटर्स माना जाता है कि जहाँ पे लोगों को वैदिक लिटरेचर के बारे में, जैन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाता है या फिर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वल्लभी वॉज एन एंशिएंट सिटी इन सौराष्ट्र गुजरात। तो ये गुजरात में आता है ये सिटी। फ्रॉम द 5th to 8th century CE इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है जैन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए। योनचांग एंड इट सिंग द चाइनीज बुद्ध भिक्खु हैड विजिटेड वल्लभी। तो देखिए जो योनचांग है ये जो भिक्खु थे यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था वल्लभी को। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे। द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड नियर टूडेज पटना सिटी इन बिहार। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे थी, पटना सिटी जो कि बिहार में है। एम्पेरर हर्षवर्धन मेड जेनरस डोनेशन टू दिस यूनिवर्सिटी। तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे उन्होंने काफ़ी डोनेशन की थी यूनिवर्सिटी को। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ योनचांग एंड इट सिंग नालंदा यूनिवर्सिटी कुड अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए योनचांग के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे पढ़ने के लिए। द लाइब्रेरी स्टॉक थाउजेंड्स ऑफ बुक, उनके लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स थे। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी हैड टू अपियर फॉर एन एग्जामिनेशन एट द एंट्रेंस गेट। तो काफ़ी जानी मानी ये यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। द सील ऑफ द नालंदा महाविहार। तो देखिए यहाँ पे आपको उसका पिक्चर भी दिया गया है।
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. दिस यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड नियर टूडेज भागलपुर इन बिहार. तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये भागलपुर जो बिहार में है वहाँ पे थी. इट वॉज इस्टेब्लिश बाय अ किंग नेम धर्मपाल इन दी 8th century CE. तो ये जो यूनिवर्सिटी है किसने इस्टेब्लिश की थी? राजा धर्मपाल ने. इट हैड 6 विहार्स ईच हैविंग इट्स ओन सेपरेट एंट्रेंस. और ये जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे 6 विहार्स थे और इसका हर एक का अलग अलग सेपरेट एंट्रेंस था. नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कांची. ड्यूरिंग द रीन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, मतलब 6th century की बात है ये, कांची इन तमिलनाडु एमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन. तो उस टाइम कांची को तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था एजुकेशन के लिए. इट वॉज ए सेंटर फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वैदिक जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो देखिए उस टाइम के लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक जैन बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी थी उनको ही लर्न करने की सोचते थे यहाँ पे. तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. तो साइड में आप पिक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा द स्तूपा एट सांची इस तरीके का था. आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेंगे. इंडियन आर्किटेक्चर रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द मौर्य एंड द गुप्त पीरियड्स. तो मौर्य एंड गुप्त पीरियड्स में आर्किटेक्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. द स्टोन पिलर्स इरेक्टेड बाय एम्पेरर अशोका एट वेरियस प्लेसेस आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर. तो देखिए अगर इंडियन स्कल्पचर के बारे में हम अगर देखेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि सम्राट अशोका ने जो स्टोन पिलर्स बनाए थे उनको देखकर हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके का इंडियन स्कल्पचर उस टाइम का था. द स्तूपा एट सांची एंड केव स्कल्पचर एट उदयगिरी कंदगिरी कारला नाशिक अजंता एलोरा एक्सेट्रा. तो देखिए यहाँ पे जो स्तूप बने हैं जो केव स्कल्पचर हमने देखे हैं तो इनसे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के लोगों ने वहाँ पे ये स्कल्पचर बनाए थे. शो दैट द सेम ट्रेडिशन एडवांस इवन फर्दर. तो बाद में ये जो उनका ट्रेडिशन था ये काफ़ी एडवांस भी बन चुका था. द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस वॉज डेवलप ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. तो जो इमेजेस बनाने का आर्ट था ये डेवलप हुआ था गुप्त पीरियड में. टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ द चालुक्य एंड पल्लवा डायनेस्टी इन साउथ इंडिया. तो टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल बनाने का जो ये कला होती है ये सबसे ज़्यादा डेवलप कब हुई? चालुक्य एंड पल्लवा डायनेस्टी के टाइम में जो कि साउथ इंडिया में थे. द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर अ टेस्टिमनी टू दिस आर्किटेक्चर. तो ये काफ़ी जाना माना एक मंदिर है जहाँ पे आर्किटेक्चर का एक अच्छा नमूना हम बोल सकते हैं कि दिखाई देगा. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डेटीज इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पल्लवास. तो देखिए जो ब्रॉन्ज से डेटीज मतलब जो देवी देवताएं थी उनकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी जो भी इमेजेस बनाई जाती थी ये सबसे ज़्यादा पल्लवास के पीरियड में बनाई गई थी. तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखोगे ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज तो इस तरीके के इमेजेस या फिर जो मूर्तियाँ हम बोल सकते हैं ऐसे बनाई जाने लगी थी. द आयरन पिलर एट मेहरूली नियर दिल्ली इज एविडेंस ऑफ द एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी ऑफ द एंशियंट इंडियंस. तो देखिए जो मेहरूली है नियर दिल्ली वहाँ पे एक आयरन पिलर दिखाई देता है. एक एविडेंस है एक पुरावा माना जा सकता है हम लोगों के लिए एक सबूत दिख सकता है एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी. तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटल के बारे में जो स्टडी होता है जो साइंस टेक्नोलॉजी होता है कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर उनका जो प्रोडक्शन कर सकते हैं किस तरीके से तो इसके बारे में जो साइंस टेक्नोलॉजी होती है उसे मेटलर्जी कहा जाता है. तो ये जो आयरन पिलर है आज भी उसी तरीके से हमें वहाँ पे दिखता है ये बिल्कुल भी रस्ट नहीं हुआ है. तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को इतना एडवांस नॉलेज था कि इस तरीके का पिलर आयरन पिलर उन्होंने बनाया कि जो आज भी हमें दिखाई देता है. दस इट इज़ क्लियर दैट एंशियंट इंडियन कल्चर वॉज वेरी प्रॉस्पेरियस एंड एडवांस. तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो केव्स जो स्कल्पचर हमें दिखते हैं जो भी स्तूपा हमें दिखते हैं या फिर जो आयरन पिलर हमें दिखता है इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे इनको कितना अच्छा नॉलेज था और एडवांस नॉलेज था. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ अदर सिविलाइजेशन एंड इट्स फार रीचिंग इम्पैक्ट. तो ये सब जो बाकी की चीज़ें हैं ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में. तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है द आयरन पिलर एट मेहरोली. तो इस तरीके का वो आयरन पिलर है जो आज भी हम लोग देख सकते हैं. तो इस लेसन से आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिली है कि किस तरीके का जो लैंग्वेज लिटरेचर था या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस हो आर्ट आर्किटेक्चर इन सारे चीज़ों में उस टाइम के जो लोग थे काफ़ी एडवांस नॉलेज था उनका ये हमें यहाँ पे सीखने मिलता है. तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.